तो हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सारी टेंशन खत्म, सारी टेंशन खत्म। भाई क्या गजब दिमाग लगा के आया हूं, बहुत ही गजब का दिमाग लगा के आया हूं। और देखना ऐसा प्लान, ऐसी स्ट्रेटेजी, भाई इतनी गजब की स्ट्रेटेजी और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी, कोई लोड नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। बस एक बार पूरी वीडियो देख लो और देखना लास्ट में आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितना गजब का स्ट्रेटेजी है कि नहीं है। बस मेरी बात सुन लो, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। भाई हम कामयाब होंगे, मिलकर कामयाब होंगे, टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूं तरीका। अब मेरी बात सुनो, अभी मैं मान रहा हूं कि आप अभी जीरो पर हो, अभी मैं मान लेता हूं कि आप अभी जीरो पर हो, आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन आता तो होगा भाई, आता तो थोड़ा बहुत होगा ही, पर मैं मान के चलता हूं कि आप जीरो पर हो और आप किसी भी क्लास में हो, चाहे इलेवंथ में चाहे ट्वेल्थ में हो। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 14+10 ऑलमोस्ट 24 चैप्टर। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, तो आपके पास है 24 चैप्टर। मैं काम की बातें करूंगा, याद रखना बस ये कैलकुलेशन याद रखो कि आपके पास है 24 चैप्टर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब हम कहते हैं भैया कि हमारे पास है 24 चैप्टर और हम ये कह रहे हैं कि जुलाई तक आपके 6 चैप्टर होने चाहिए, जुलाई के महीने में आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे प्लान के हिसाब से। अब मान लेते हैं आप जीरो पर हो, मैं सारा कुछ बताऊंगा अभी, बस प्लीज सुन लो। मान लेते हैं कि भाई आप जुलाई में हो और आप जीरो पर हो, लेकिन आपको 6 चैप्टर तो करने ही पड़ेंगे जुलाई के अंदर। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, देखो हम मान लेते हैं कि भैया एक चैप्टर को कम से कम 6 घंटा तो देना पड़ेगा। देखो अभी बहुत सारा टाइम भी बचेगा, बहुत सारा टाइम बच जाएगा मेरी गारंटी, बस वेट करो। बस एक चैप्टर को 6 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, तो 6 चैप्टर के लिए फिजिक्स, देखो हमारे पास है 24, हमारे पास टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री के 24 चैप्टर है। मैं कह रहा हूं जुलाई में कम से कम 6 चैप्टर आपको करने, जुलाई में कम से कम 6 चैप्टर आपको करने, किसी भी हाल में करने। अगर बेटा आपने जुलाई में 6 चैप्टर नहीं किए तो बाद में इतना स्ट्रेस आ जाएगा ना भाई, मैंने लोगों को रोते हुए नाक रगड़ते हुए देखा है, मरते हुए, मतलब क्या बोलूं मैं, एकदम मर रहे होते हैं कि भाई कैसे होगा, बिल्कुल ऐसा लगता है जानलेवा सिचुएशन आ गई, इतना कुछ कैसे करेंगे। तो प्लीज ये धमकी मानो, रिक्वेस्ट मानो, प्यार मानो, जुलाई में 6 चैप्टर्स तो करने ही है, 6 चैप्टर्स होंगे और कितना आसान तरीके से होंगे। सुनो मेरी बात, देखो दिख गया होगा काम की बात, समझा रहा हूं। देखो 6 चैप्टर हमने माना कि भाई 6 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, एक चैप्टर 6 घंटे का तो होगा, तो हमने कहा भैया हमें 36, वैसे तो कुछ चैप्टर छोटे भी है कुछ बड़े भी है, तो हम एवरेज 6 घंटे मान के चल रहे हैं, तो हमें 36 घंटे चाहिए जुलाई के महीने में, 36 घंटे चाहिए। अब मान लेते कि भाई जुलाई में 30 दिन है, अगर मैं एक दिन डेली 1 घंटे फिजिक्स पढ़ू और 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ू, 1 घंटे फिजिक्स 1 घंटे देखो 3 चैप्टर हमें फिजिक्स के चाहिए, 3 चैप्टर केमिस्ट्री के चाहिए, तो अगर 1 घंटे फिजिक्स पढ़ू 30 दिन तो 30 घंटे होंगे और 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ू तो 30 घंटे होंगे, तो हमें मिल कितने रहे हैं, हमें मिल रहे 60 घंटे। हमें चाहिए 36 घंटे भैया, 6 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री का 36 घंटे चाहिए, हमें मिल रहा है हमें 60 घंटे सिर्फ एक एक घंटा पढ़ के, तो हमें 60 घंटा मिल रहा है, यानी हम चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हैं और साथ साथ इसमें रिवीजन का टाइम निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस का भी टाइम निकाल सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो चैप्टर तो कंप्लीट कर लेंगे कम से कम। रिवीजन कहां पर होगा वो मैं बताऊंगा रिवीजन कहां पर होगा, थोड़ा बहुत देखो आपको 60 घंटे मिल रहे हैं, एक एक घंटे भी पढ़ रहे हो सिर्फ, अरे डर हटा लो भाई, एक एक घंटे भी अगर डेली पढ़ रहे हो आप, और पढ़ना किससे है, किसके वीडियो से पढ़ना से बताऊंगा, वेट करो। तो अगर आप भाई एक एक घंटे भी डेली पढ़ते हो 60 घंटे मिलेगा और 36 घंटा ही चाहिए चैप्टर खत्म करने के लिए, क्या बात है। और 36 घंटे के अलावा जो भी आपके पास टाइम बचेगा उसमें आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो। सिमिलरली जब आप अगस्त में जाओगे आपको 6 चैप्टर होने चाहिए, क्योंकि टोटल चैप्टर हमारे पास है 24। अब 24 चैप्टर में हम जुलाई में कर चुके हैं 6, अगस्त में कर लेंगे 6, तो 12 हमने कर लिए। फिर आपको सितंबर में 6 चैप्टर कंप्लीट करना है सेम तरीके से, 18 चैप्टर हो गए। फिर अक्टूबर में 6 चैप्टर कंप्लीट करोगे आप, वैसे जब आप अक्टूबर तक आप पहुंचोगे तो आपका कॉन्फिडेंस तो अपने आप बढ़ गया होगा, तो आप यहां पर 6 चैप्टर सेम तरीके से कंप्लीट करोगे। अब बात आती है अक्टूबर के बाद आपके स्टार्ट होंगे प्री बोर्ड, अक्टूबर तक। अब जब प्री बोर्ड होगा ना भैया, तो प्री बोर्ड के पेपर के चक्कर में या फिर स्कूल में जो ऐसे वन होगा, मिड टर्म होता है, जो भी चीजें होती है उसमें तैयारी करते करते आपका रिवीजन चलता रहेगा, क्योंकि पेपर देने तो जाना ही आपको, तो रिवीजन करोगे, रिवीजन ऑटोमेटिक होगा अगर सिलेबस हो गया है तो। अब देखो वैसे ही फिर आपके पास दिसंबर रहेगा रिवीजन के लिए, जनवरी रहेगा, फरवरी रहेगा, क्वेश्चन लगा रहे हैं, सैंपल पेपर लगा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन है, 100 तभी आएंगे भैया जब इस प्लान को, इस पाथ को, इस रास्ते को फॉलो करोगे। ये रास्ता बहुत सोच समझ के बनाया गया आपके लिए, अगर आप इस रास्ते को फॉलो करते हो यकीन मानो 100 में से 100 पक्का है। क्यों भैया, आपका सिलेबस अक्टूबर से पहले अक्टूबर तक खत्म हो जा रहा है, सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद तो बचता ही क्या है, बहुत ही आसान है, उसके बाद तो कुछ नहीं बचता। अब मेरी बात सुनो सिलेबस खत्म होने के बाद इसी चैनल के ऊपर आपको, वैसे क्वेश्चन में डाल रहा हूं, इसी चैनल के ऊपर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहा है, इसी चैनल के ऊपर आपको एमसीक्यू मिल रहा है, इस चैनल के ऊपर आपको सब कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा इसी चैनल के ऊपर, रिवीजन भी मैं कराऊंगा, सब कुछ मैं कराऊंगा। पढ़ना कैसे, पढ़ना कुछ नहीं है, मेरी 4 से 6 घंटे की वीडियो होती है, चाहे फिजिक्स लो चाहे केमिस्ट्री लो, उस वीडियोस को उठाओ, अभी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म डाल रहा हूं कल, उन वीडियोस को उठा लो और जैसे बताया उसको पढ़ते रहो, डेली 1 घंटे पढ़ते रहो। अगर वन शॉट का इंटरेस्ट है, वन शॉट से मजा आ रहा है, तो वन शॉट से पढ़ लो, वरना मेरा चैनल है मुनिल सर फिजिक्स, यहां से लेक्चर वाइज पढ़ लो फिजिक्स के लिए, एक है मुनिल सर केमिस्ट्री, यहां से लेक्चर वाइज पढ़ लो केमिस्ट्री के लिए। भैया इसी मेरे चैनल को फॉलो कर लो, 100 लगूंगा, बस मुझे ईमानदारी से फॉलो करना, मेरी बात को समझना। दोबारा बोल रहा हूं, आसमान सी हम ऊंचाई पाएंगे,
कर हासिल सब कुछ हम दिखाएंगे, जो राह में पर्वते रुकावट बनेगी, रख कदम पर्वतों को पिघलाएंगे। ये मैंने लिखा था और इसी को सुन सुन के मेरे अंदर आग जलता है सुबह सा मेहनत करने का। तो भाई साहब बड़ा आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। मेरे चैनल के साथ जुड़ जाओ, आपको यहां सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ एमसीक्यू, असर्शन रीजन, पीवाईक्यू, सब कुछ मिल जाएगा। और जो मैं करवाऊंगा पेपर में पक्का आएगा। आप मेरी वन शॉट वीडियो से पढ़ो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री, आपने एकदम बौखला जाओगे, बोलोगे भाई क्या कंटेंट है यार, क्या कंटेंट है, हिल जाओगे। बहुत दिल से बनाया है, दिन रात एक करके बनाया है। तो बस जुड़ जाओ चैनल के साथ, मजा आ जाएगा। और एक और छोटी सी बात, जिन बच्चों को मेरे से पढ़ना है, मान लो थोड़ा सा प्रमोट कर रहा हूं मैं कोई चीज, मेरा 499 का रक्षक बैच है, 499 का रक्षक बैच है, 5 जुलाई से आ रहा है, 5 जुलाई से मैं पढ़ाऊंगा। इसमें दो टेस्ट होगा, फ्री में दो बुक्स मिलेगी। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन की वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज चेक कर लेना। 499 कोर्स है, बस मुझे सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना भाई, प्लीज। और बात सुनो, मेरे साथ जुड़ जाओ और मेरे वन शॉट वीडियो देख लो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मेरे यूट्यूब से पढ़ लो, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, बस वो सपोर्ट के लिए थोड़ा बहुत चाहिए था। नहीं है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब से पढ़ लो, लेकिन बात मान लो, ये स्ट्रेटेजी प्लीज अपना लेना यार, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बहुत दिल से बनाया है कि हमें 36 घंटे चाहिए 6 चैप्टर के लिए, मिल रहा है हमें 60 घंटा, तो कितनी बड़ी बात है अगर 1 घंटे भी पढ़ते हैं तो। चलो मिलते हैं, जुड़ जाओ मेरे साथ, नए हो तो एक बार सब्सक्राइब करो, चैनल की वीडियो को चेक करो, आपको पक्का मुझसे प्यार हो जाएगा। और कैसा लगा ये स्ट्रेटेजी प्लीज मुझे बता दो, ठीक है, मैं बहुत थक गया हूँ सुबह से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। चलो प्यार बहुत सारा।